पहाड़ों की जंगल की जड़ी बूटी चलाना है, आंखों को टिमटिमाना है जिससे सफाई होगा। अरे खोलो बंद करो, बहुत गर्मी है, बाप रे। खोलो बंद करो, खोलो बंद करो आंखों को ऐसे। ओ एकदम गर्म हो गया आंखों में। हाँ वो निकलेगा, गंदगी निकलेगा अंदर से। ओए होए गठिया का दर्द जो फील आ रहा है ना मैं बता नहीं सकता, मतलब एक अलग ही फीलिंग है यहाँ की। चारों तरफ झीली झील झीली झील, ये देखिए चारों तरफ झीली झील। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये दूसरा वीडियो होने वाला है, तो आज मैं गोवर्धन पर्वत जाऊंगा यहाँ से। तो पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ जाके लिंक में क्लिक करके मेरी ये फर्स्ट ये आत्मा शांति भ्रमण का पहला वीडियो आ चुका है। तो ये सीरीज वाइज आएगा, तो आज दूसरा वीडियो है, दूसरा दिन है। और ये मैं अभी जा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत की ओर, तो उससे पहले मैं थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर नाश्ता पूछता हूँ मैं। यहाँ पर मैं नाश्ता करूँगा, यहाँ पर कचौड़ी है 20 रुपये की है, तो नाश्ते के लिए कचौड़ी बहुत है। फिर उसके बाद लंच में रास्ते में देख लूँगा, तो अभी नाश्ता वगैरह कर लूँ उसके बाद मैं निकलूँगा। तो यहाँ पर अभी कचौड़ी भैया देंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है और वहाँ पर मेरा स्टे करने का है। तो यहाँ पर जैसे मैं नाश्ता कर लूँगा, नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगा गोवर्धन पर्वत की ओर। तो ठीक है, तब तक स्टे ट्यून। मेरा कचौड़ी आ चुका है, तो ये कचौड़ी है, तो मैं अभी कचौड़ी खा लूँ, तो उसके बाद मैं जाऊँगा गोवर्धन पर्वत की ओर। काफी बढ़िया है। तो मेरा नाश्ता हो चुका है, अब मैं जाऊंगा सीधे गोवर्धन पर्वत की। उसके बाद फिर शाम को देखते कोई जगह होगी तो वहाँ पर जाऊँगा। फिर उसके बाद से रूम, फिर आगे का सब कंटिन्यू करते हैं, तब तक स्टे ट्यून। तो गाइस अभी 10-15 मिनट हो चुका है, तो अभी बस आई नहीं, तो रूट तो यही है कह रहे हैं। तो अभी देखते कितने टाइम बाद, कितना टाइम लगता है बस को आने में। तब तक स्टेडियम, गर्मी बहुत हो रही है, तो थोड़ा पानी का बोतल भी लेता हूँ यहाँ से कहीं से। अभी यहीं पर वेट करता हूँ, वैसे जाना था ये आज गोवर्धन पर्वत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए तब तक स्टेडियम। मिला ही नहीं, तो शेयर ऑटो से जा रहा हूँ, तो ये जाएगी छठीगढ़ तक, तो वहाँ से बस मिलेगी कह रहे हैं, तो वहाँ से सीधा गोवर्धन के लिए। तो तब तक स्टेडियम फिलहाल दोस्तों मैं गोवर्धन पर्वत के लिए, उसकी परिक्रमा के लिए निकल चुका हूँ। तो जो ये गोवर्धन पर्वत है उसका जो वर्ग क्षेत्र है वो 21 किलोमीटर के दायरा पड़ता है। तो परिक्रमा करते वक्त शायद 3-4 घंटे लगेंगे कह रहे हैं यहाँ के। तो रास्ते में राधा कुंड वगैरह सब पड़ेगा, तो वहाँ पर विजिट करूँगा, तो शायद 2-3 घंटे लगेंगे मुझे, मैं पैदल ही चल रहा हूँ। तो
देखते कितना टाइम लगता है, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके उतना उतनी जल्दी परिक्रमा पूरा कर लूँ। लेकिन हाँ, परिक्रमा पूरा करके ही मैं वापस लौटूंगा। तो चलिए तब तक स्टेटिंग। तो यहाँ से हमारा गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा स्टार्ट है, यहाँ से निकलूँगा, यहाँ से स्टार्ट है तो यहीं पर ख़त्म होगा। तो पूरा टोटल 21 किलोमीटर है, तो 21 किलोमीटर मैं पैदल चलूँगा और रास्ते में जो भी जितने भी मंदिर है वो दर्शन करते हुए तब जाके मैं यहीं पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा यहीं पर ख़त्म होगा, तो यहीं पर आऊँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री भी हैं जो यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि 21 किलोमीटर है तो कर लो क्या करके। तो ये मेरा भारत भ्रमण है, ये भी आसान तो है नहीं, लेकिन उसके पास ये बहुत छोटा है 21 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं सोचा है तो मैं 21 किलोमीटर पूरा करके ही जाऊंगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, तो मतलब परिक्रमा के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब भीड़ इतनी है तो देख सकते हो जो आगे जा रहे हैं वो सब परिक्रमा ही कर रहे हैं, और ये जो मेरे पीछे भी है वो सारे के सारे परिक्रमा कर रहे हैं। तो रास्ते में जितने भी मंदिर वगैरह हैं हमारे उसका दर्शन करूँगा। तो फिर जैसे शायद आज पूरा गोवर्धन ही कवर करना है मैंने, क्योंकि दो तीन घंटे लाएंगे परिक्रमा करते करते। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। तो मैं परिक्रमा कर रहा था तो यहाँ पर शायद प्रसाद वगैरह बट रहा है, तो यहाँ पर शायद प्रसाद बट रहा है। तो यहाँ से देखते हैं ये प्रसाद है, तो ये क्या मतलब कौन से घेवर है। तो यहाँ पर भैया लोग सेवा कर रहे हैं लोगों की जो परिक्रमा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो राधे राधे। तो ये प्रसाद मिला है मुझे, ये घेवर भी है। तो यहाँ से मैं परिक्रमा करते करते शायद रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसे ही जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी सेवा करते हैं। तो पहले मैं ये घेवर खा लूँ, तो भूख भी लगी थी तो रास्ते में प्रसाद भी मिल गया। तो खाते राधे राधे। काफी अच्छा है, मतलब इसका फ्लेवर है मुंह पे पिघल रहा है। तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु है होते हैं जो रास्ते में ऐसे प्रसाद मतलब जैसे ये घेवर हो गए तो आगे भंडारा वगैरह लगा देते हैं जितने भी ये श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए। तो उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मैंने भी प्रसाद ले लिया है। तो देखते हैं आगे आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मिलेंगे तो आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुसुम सरोवर पहुँच चुका हूँ, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये सरोवर शायद कम से कम 500 साल पुराना है। एक राजा ने बनाया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दिखाता हूँ नज़ारे। तो ये कुसुम सरोवर है, तो ये आगे सामने जो देख रहे हो आप ये झील है। तो थोड़ा मैं अंदर जाऊँगा, अंदर जाके आपको और अच्छी तरीके से दिखाऊँगा कुसुम सरोवर की चीज़ें। तो जो हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की, सबसे पहले हमें मिलता है कुसुम सरोवर। तो कुसुम सरोवर के अंदर जाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें अंदर घुसना है सरोवर की ओर। ये पूरा सरोवर है, यहाँ पर लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो भाई साहब जो फील आ रहा है ना मैं बता नहीं सकता, मतलब एक अलग ही फीलिंग है यहाँ की। चारों तरफ झीली झील झीली झील, ये देखिए चारों तरफ झीली झील, मतलब ऐसी फीलिंग मैंने लाइफ में पहली बार किया है।
अभी ये पहला सरोवर है, अभी शायद लास्ट में राधा कुंड भरेगा। तो मतलब ये फीलिंग मैं शेयर नहीं कर सकता कि मतलब वाओ, बस मुझे वाओ ही निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर बनाया हुआ है वो भी, तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा आप देख चुके हम। और मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र है, 21 किलोमीटर मुझे परिक्रमा करना है। तो यहाँ का देख सकते हो आप, है ना, पीछे चीज़ें मंदिर वगैरह बना हुआ है और ये पूरा तालाब एक राजा ने बनाया था। शायद ये मंदिर, ये सरोवर कम से कम 500 साल पुराना है। यहाँ के लोकल से पूछा तो वो कह रहे कि मतलब ये राजा ने बनाया था और ये कम से कम 500 साल पुराना है। तो जो इंजीनियरिंग है ना, मतलब यहाँ का अलग ही है, देख सकते हो आप। तो चलिए फिर अब आगे हम चलते, तो तब तक स्टेडियम। तो दोस्तों अभी मैं गिरिराज जी महाराज मंदिर में पहुंच गया हूँ। यहाँ पर भी बहुत बड़ा झील है, तो मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि परिक्रमा अभी पूरा नहीं हुआ, तो यहीं से दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर लोग स्नान भी कर रहे हैं, तो नीचे स्नान का बनाया हुआ है पूरा, और यहाँ पर शायद बोटिंग वगैरह भी होती है। तो यहाँ पर नहाने के लिए वहाँ पर पेड़िया भी है, तो वहाँ से भी जा सकते हैं आप नहाने के लिए। जब भी आप वृंदावन मथुरा गोवर्धन में आओगे तो यहाँ पर नहाने के लिए भी इस तरीके का कुंड वगैरह पूरा जैसे गंगा में बना हुआ होता है नहाने के लिए, वैसे बना हुआ है यहाँ पर भी, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं रुक नहीं सकता, तो बाहर से दर्शन करके जय श्री गिरि महाराज जी की जय। तो यहीं से मैं अपना परिक्रमा पूरा करूँगा, तो आगे निकलते वरना काफ़ी देर हो जाएगी, रात भी हो सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सफर में। तो जो है आप किशोर ऑर्फन हाउस मतलब ये अनाथालय देख रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा अंदर घुसा, अंदर जाके देखा तो वहाँ पर मना कर दिया था वीडियो करने के लिए। तो एक इमोशनल टच हो गया क्योंकि मैं भी अनाथी हूँ, तो होमलेट है नहीं, तो जैसे ये अनाथालय देखा तो अंदर जाने का मन हुआ। तो वहाँ जाके देखा छोटे छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैंने भी खुद को उनके साथ ही पाया। तो चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पसीना तो पूरा बदन गीला हो चुका है। आधा परिक्रमा तो हो गया, यहाँ से परिक्रमा पूरा करेंगे हम। तो यहाँ पर शायद बहुत लोग मुझे नेपाली भी कह रहे हैं, तो उनको लग रहा है शायद मैं नेपाल से आया हुआ हूँ, हूँ मैं इंडिया से ही, तो इनको लग रहा है क्योंकि मेरी शक्ल वैसी है, तो हूँ मैं इंडिया से ही। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम परिक्रमा पूरा ज़रूर करेंगे, बाकी लोग तो बोलते ही रहेंगे हर जगह। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ दिखी, तो यहाँ पर जो बंदर है वो स्विमिंग कर रहे हैं गर्मी की वजह से, थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी बंदर लोग स्विमिंग खेल रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आधा परिक्रमा कर चुका हूँ मैं, कम से कम 9 किलोमीटर का परिक्रमा हो चुका है मेरा, अभी चल रहा हूँ, अभी और बाकी है, अभी देखते कितना दूर और है। तो दोस्तों कम से कम 13 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, अभी और रह गया है, राधा कुंड पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से राधा कुंड अभी और दूर है, तो ये पूरा गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा लग रहा है, तो
ये पूरा एरिया गोवर्धन पर्वत का है, तो पैर दर्द करना बहुत गंदा वाला दर्द कर रहा पैर, शायद पैरों में छाले भी आ गए हैं चलते चलते। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रेस्ट किया था, यहाँ पर ये रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है नंदेश्वर महादेव करके, तो काफ़ी सुना इनके बारे में, तो पता नहीं तरह जो थोड़ा जानकारी लेंगे इनके बारे में। तो लोग कह रहे कि इनके दर्शन हर किसी को नहीं होते, तो यहाँ पर भी हम जाते हैं, वहाँ पर पूछेंगे, पुजारी जी बैठे हैं, तो यहाँ पर भैया लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर नंदेश्वर महादेव जी के दर्शन भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे नंदेश्वर महाराज जी है। नमस्ते हाँ जी। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ से पहले मैं यहाँ पर आया वृंदावन, तो यहाँ से पहले वृंदावन आने के बाद पहले हमारे बाकी बिहारी जी का दर्शन किया, तो फिर उसके बाद गोवर्धन पर्वत का होगा राम जी। और जो ये है, जो ये यात्रा है मेरा, तो जितने भी हमारे अमर शहीद है, एक मांग के लिए हुआ था, गोरखाओं के मांग के लिए हुआ था, तो उनके नाम पे ये यात्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर हमारे नंदेश्वर महाराज जी का दर्शन भी हुए, तो यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत खासियत है, तो थोड़ा आप बता देंगे। बता देंगे, जो गोकुल जन्म लिया ना था मथुरा जी, मथुरा जन्म लिया था जी, तो यहाँ से पहले यहाँ बैठक थी जी, कृष्ण भगवान जो माता जन्म लिया था, दर्शन करने गए थे जी, जी, जी। जब इसी जगह ढूंढा लगा था वो पे। अच्छा, तो यही जगह है। हाँ, यही जगह जो, और जो हमारे बाबा भोले बाबा है वो यहीं पर बैठे हुए थे और कृष्ण जी को दर्शन दिया था। तो दोस्तों इस नंदेश्वर महाराज के बारे में शायद किसी को पता नहीं है, अगर पता भी है तो बहुत कम लोगों को। जब कृष्ण जी यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर हमारे बाबा बैठे हुए थे इसी जगह पे, गिरिराज पर्वत ही उठाया जी, तो जब भी भोलेनाथ ने इसी जगह से आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर कहावत है कि भोले बाबा यहीं बैठे हुए थे और यहाँ से कृष्ण जी आशीर्वाद लेके गए थे बाबा का, और यहाँ से जब वो जब इंद्र ने कोप किया जी, ना जी जी जी, तो धुआंधार वर्षा की जी, धुआंधार पानी बरसाया था, ओले बरसाए थे जी, जब कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत ऊपर जी जी पर जब इनने आशीर्वाद दिया, और जब जय काली बोल कर बोल नंदेश्वर महादेव की जय। तो यहाँ पर नंदेश्वर महाराज के आशीर्वाद से कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो जब भी आप लोग वृंदावन आओ तो ये आपका परिक्रमा मार्ग में पड़ता है नंदेश्वर महाराज, तो इनके दर्शन और इनका आशीर्वाद हर किसी को शायद नसीब भी नहीं होता है। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे यहाँ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदेश्वर महाराज जी के, जय हो और राधे राधे, और निकलते बाबा जी आपका जय हो। तो आपका भी आशीर्वाद चाहिए, मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, तो आप लोगों का आशीर्वाद से ये होने वाला है। भोले बाबा का आशीर्वाद लो बढ़िया जी 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 जी, इसको मांगना है से मांगो, तो इसका मंत्री है ये, भोले बाबा का मंत्री है जी 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 जी, मंत्री हुए तो मांगना कैसे इनसे, कान में को कोई बात कोई तुमको मांगना है जी जी जी, जो इच्छा पूरी करनी है जी जी जी, तो यहाँ से मांगा जाता है। और तो यहाँ पर मैं भी नंदी महाराज के कान पे कुछ बोलूँगा अपना जो भी मनोकामना है, तो जैसे वो पूरी होगी शायद यहाँ पर वृंदावन बाबा का आशीर्वाद हुआ, तो उसके बाद फिर यहाँ आऊँगा, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा। तो चलिए की इच्छा पूरी कर दी है बोले ना जी, तो पास का जनता है ना, शनिवार को देखो कितनी आती है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर शायद हम फिर मिलेंगे 2 साल बाद, बाबा जी यहीं पर होंगे तो हम इनका भी आशीर्वाद लेंगे उस टाइम पे। तो चलिए शुक्रिया आपका, तो हम अपना सफ़र शुरू करेंगे परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ से मैं पहले नंदी महाराज के कान पे अपना जो भी इच्छा है वो बोलूँगा, फिर मैं अपना सफ़र शुरू करूँगा।
तो फिलहाल दोस्तों हमने नंदेश्वर महाराज का दर्शन कर लिया, उनके बारे में पता भी कर लिया। तो हम बाबा जी ने हमें यहाँ के बारे में बताया और यहाँ पर काफ़ी अच्छे भैया भी मिले। तो ये मनोज भैया है, गोविंद भैया, और हमारे यहाँ एक और भैया भी है। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो गोविंद भैया ने तो बोल भी रखा है अगर सफ़र में कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कॉल करना करके, तो भैया मुझे हेल्प करेंगे। ठीक है भैया, फिर मैं निकलता हूँ। राधे राधे, राधे राधे। तो यहाँ से मैं निकला हूँ, तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई भैया लोगों से। तो अब मैं निकला हूँ परिक्रमा करने। तो दोस्तों यहाँ पर एक आयुर्वेदिक की यहाँ ठेला लगा हुआ है, तो यहाँ पर बोल रहे कि मतलब आंखों के लिए दवा भी ड्रॉप भी मिल जाएगा। तो ये कह रहे कि शायद एक बूंद लगाने के बाद आप देखिए लेना नहीं लेना वो आपका ऊपर है भैया। ये आंखों के लिए खरीद सकते हैं, तो चेक कर सकता हूँ मैं। उत्तराखंड, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, अनेकों पहाड़ों से लाकर हमारे गुरुजी ने बड़ी मेहनत और बड़ी मेरा भी चश्मा लगा हुआ है ना इस दवा को। तो उसके रिगार्डिंग वो मैंने अभी अनाउंस होते हुए सुना, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लूं करके ना। तो मतलब इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है ना, मतलब पूरी पूरी तरह आयुर्वेदिक है। तो दोस्तों यहाँ पर आंखों की लिए क्योंकि मुझे भी टाइम टाइम पे चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है, तो एक बार ये आयुर्वेदिक दवा लगा के देखता हूँ कि मतलब कैसा फील होता है। इस दवा को हमारे गुरुजी ने तैयार। तो कितने की है यह दवा भैया? 50 रुपए की। तो कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग केवल अपनी आंखों में डालकर लगेगा, रगड़ना नहीं आपको। उत्तराखंड के पहाड़ों की जंगल की जड़ी बूटी चलाना है, आंखों को चिमचिमाना है जिससे सफाई होगा। अरे खोलो बंद करो, बहुत गर्मी है। बाप रे, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो आंखों को ऐसे। ओ एकदम गर्म हो गया आंखों में। हाँ वो निकलेगा, गंदगी निकलेगा अंदर से। ओए होए, गठिया का दर्द। अरे यार, यार, यार। पैर में दर्द है, कमर जलन हो रही है बहुत ज्यादा भाई साहब। यानी नसें ब्लॉकेज हो रही है, नसों में खिंचाव हो जाता है, साफ कर लो आंखों को। नसों में खून का रुकावट बन जाता है, अंदर से एकदम जैसे कुंडली ना मतलब एकदम गर्म हो गया भैया। जोड़ जोड़ जलन हो रही है यार भैया, आप जलन गठिया बन जाती है। भाई बहन बैंक जैसे डाला, जीवन से मायूस और आंसू आ गए। वो भाई बहन एक बार हमारी गाड़ी के पास पहुंची, जो बहन भाई ये कहते हैं कि हम लोगों ने, मैंने सोचा ये नॉर्मल ड्रॉप होगा करके ना, हजारों लाखों रुपए आयुर्वेदिक होता है, ये होता है ममीरा। ममीरा जो होता है। अच्छा, तो ये ममीरा क्या करेगी? ममीरा आंखों में धुंधे जाला है, परवाल है, रचौंदे नजर कमजोर है, मूंजी बिंदे आंखों में खुजली चलती है, पूला बन जाता है, पास की या दूर की नजर कमजोर होती है, आंखों से आंसू आते हैं, ढलका होता है, नाता होता है, सब में काम। तो जैसे ये ड्रॉप डाला, ऐसा लगा कि आंखों में आग डाल दिया किसी ने, इतनी जलन हो रही थी। अब वो हो गया, मिट्टी का खंड चला जाता है। तो यहाँ से मैंने ड्रॉप डाल दिया है लेकिन लिया नहीं अभी, तो आँख एकदम जलन कर रही है पूरा। तो मैंने सोचा कि यार ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो मैंने ट्राई किया तो आंसू, इतना आंसू आया भाई साहब, ऐसा लग रहा कि किसी ने आग डाल दिया। तो फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ। चलो अब परिक्रमा पूरी करते हैं। तो दोस्तों आधा सफर तय हो चुका है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये पत्थर एक फीट आगे करके, और ये परिक्रमा कर रहे हैं शायद। हाँ, ये भी एक श्रद्धा ही है यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करने का। तो जितने भी है शायद कई हो के मनोकामना मतलब एक इच्छा होती है, मनोकामना जिनकी पूरी होती है वो शायद ऐसे इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है,
राधे राधे। तो यहाँ से अभी थोड़ा राधा कुंड कितना दूर होगा भैया? थोड़ा ही है। दो एक किलोमीटर है। परिक्रमा ही दे रहा है जी। परिक्रमा जी, वीडियो भी बन रही है। तो आप कौन से? मैं पूरा दार्जिलिंग से। अच्छा, दार्जिलिंग जी। अच्छा, पहुँच चुके हैं। तो ये है तो ये कौन? राधा रानी का है। राधा रानी का है। तो स्नान कराते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लोग आकर स्नान भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि बंदर है। तो हो सकता है कि छीन ले वो। बंदर है। तो नीचे नहीं जा सकते। चलते आगे। और करें नहीं, चल सकते हैं। नहीं, वो बंदर है ना, वो छीन लेंगे। तो यहाँ पर बंदर की वजह से मैं नीचे नहीं जा पा रहा। तो तभी आप लोगों को मैंने बाहर से ही दिखाया। सो फाइनली गाइस, परिक्रमा पूरा हो चुका है। तो पैर दर्द कर रहा है और पूरा शरीर बदन दर्द कर रहा है। 21 किलोमीटर का था तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ वापसी, जहाँ से गाड़ी पकड़ना है मुझे। तो दोस्तों, फाइनली परिक्रमा पूरा हो चुका है। अब भैया ने मुझे लिफ्ट दे दिया है। तो मैं बाईपास तक जाऊंगा, फिर उसके बाद नीचे वहाँ से बस लूँगा अपने रूम के लिए। चलिए पहले बाईपास तक पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद आगे का सफर तय करते हैं। फाइनली गाइस, परिक्रमा पूरा हो चुका है गोवर्धन पर्वत का। और पैर थोड़े शायद सूज गए, नीचे छाले भी पड़ गए होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, ढाबा ही है, रेस्टोरेंट तो नहीं है, वहाँ पर खाने के लिए रुका हूँ। तो यहाँ पर खाना खाऊंगा क्योंकि सुबह से मैंने बस दो कचौड़ी खाई थी। दो कचौड़ी खाने के बाद मैं निकला था। तो अब मैं सीधे खाना खा रहा हूँ। रास्ते में काफ़ी लोग भी मिले, सपोर्ट भी किया। वो उन्होंने बोला भी कि आगे के सफर में अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम डेफिनेटली आपकी सपोर्ट करेंगे। तो ये खुशी भी मिली। बस दुख इस बात का है कि बाहर के लोग तो मेरे सपोर्ट में हैं, बस मेरे जो अपने लोग हैं वही नहीं है। तो बस इसी बात का दुख है। बाकी आज का सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। तो पहले मैं खाना खा लूँ, फिर उसके बाद आपको गुड बाय कहते हैं। तो दोस्तों, अब मेरा खाना आ चुका है। 80 रुपीज़ का ये छोले और चावल मिक्स है। तो क्या करें, महंगा है थोड़ा, लेकिन खाना तो है। तो पहले मैं खाना खा लूँ, फिर उसके बाद आपको गुड बाय कहते हैं। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत लंबा सफ़र था, 21 किलोमीटर का, पूरा गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करना था, वो कर लिया मैंने। तो थक गया हूँ, खाना भी खा लिया, अब थोड़ा रेस्ट करूँगा। इफ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो कर दीजिए, उदित राणा नाम से है। तो वहाँ पर भी मैं छोटा छोटा शॉर्ट रील्स और अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, उदित राणा 97 करके है। तो प्लीज़ मेरी इन आईडियो पे जाके आप फॉलो कर दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है वो वहाँ पर मिल जाए। और प्लीज़ शो सम सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं और आगे टूर कर पाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए शहर में। तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।